आतंक, नशे में धुत कार चालक ने मारी टक्कर, सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे के बाद मौके से आरोपी चालक फरार, हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद, गाड़ी नंबर UP47U7860 के चालक के नाम पर दर्ज है ये गाड़ी। बलरामपुर जिले की घटना हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस कदर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि नशे में धुत एक कार चालक ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी, हादसे के बाद मौके से आरोपी चालक फरार। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलरामपुर जिले के शादाब यूनुस के नाम पर है ये गाड़ी। तो वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक मनी त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या पूरी घटना है, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? जी कीर्ति, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके का मामला है, जहाँ पे अचानक से गाड़ी दिन दहाड़े गाड़ी सीधे जाती है और बैक करते हुए गाड़ी को टक्कर मारते हुए जोर से भागती है। आए दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं, जो गैर जनपद की गाड़ियां हैं आसानी से किसी गाड़ी को लड़ाकर निकल जाती हैं, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत बड़ी खामी है। ये गाड़ी UP47U7860 जो कि चालक गाड़ी जो है शादाब यूनुस के नाम से रजिस्टर्ड है। आए दिन ऐसी वारदातें होती हैं और इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं लेता है, पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेता है। इस मामले पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। जी कहते बिल्कुल अभिषेक, इस मामले पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की लापरवाही हम देख पा रहे हैं अभी इस तस्वीरों में, कि साफ तौर पर दिख रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरह से कार जाती है और एक खड़ी गाड़ी में साफ तौर पर टक्कर मारती हुई चली जाती है, तो कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया भी एक तरह से कहीं ना कहीं इससे उजागर हो रहा है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये जो गाड़ी चालक है वो नशे में धुत था और जिस तरह से बेलगाम गाड़ी चला रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए साफ नजर आ रहा है, जिस समय वो गाड़ी बैक कर रहा है उसी के बगल से एक बाइक सवार निकल रहा है जिसकी जान खतरा हो सकता था, बाल बाल बचा है, इससे साफ पता चल रहा है। और अचानक ये किस तरह का आदमी था, ये किस प्रवृत्ति का आदमी था जो सीधे जा रहा था, और क्या मामला था, हो सकता है कोई अपराधी भी हो सकता है जो वहां से देख के अचानक गाड़ी बैक करके भाग रहा है, और कोई भी मतलब बड़ी कार्रवाई ऐसी चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आए दिन की कांड है, ऐसा होता है कि गैर जनपद के जो लोग होते हैं गाड़ियों से आते हैं करके कोई भी हादसा चले जाते हैं, जिसका एक बड़ा दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है। खौफ नहीं है कि अगर ये नंबर जैसे वायरल हो रहा है इसके बाद किस कदर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि साफ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि गाड़ी जो खड़ी हुई है उसमें टक्कर मारी गई। हालांकि इससे अभी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान होने की भी कई आशंकाएं जताई जा सकती है, क्योंकि किस कदर बेखौफ और कितनी गलत तरीके से गाड़ी चलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल बेलगाम गाड़ी चलाने जिसको कहते हैं, कि जिस तरह से वो बैक करके जा रहा है और गाड़ी पर टक्कर मार के, जिसको जिसके अंदर कोई डर नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी प्रशासन इस पे कैसी कार्रवाई करता है। बिल्कुल बेलगाम गाड़ी चलाना इसको बोलेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद अभिषेक, इस पर कोई किसी तरह की गाड़ी चालक के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी, अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, हो सकता है पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस कदर इस वक्त जो गैर जनपद के लोग होते हैं वो आते हैं और लखनऊ की एक गाड़ी को टक्कर मारते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हालांकि इससे ये उजागर होता है कि कितनी गैर जिम्मेदाराना रवैया है लोगों का, कि उन्हें ये तक नहीं समझ में आता कि किस तरह की वो लापरवाही कर रहे हैं, इसके चलते किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। हाल फिलहाल में वो गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अगर उस गाड़ी में कोई होता तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता था। ये तमाम चीजें हैं जिस पर प्रशासन को नजर डालनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि एक गाड़ी चालक किस तरह एक खड़ी गाड़ी को टक्कर मारते हुए बैक कर रहा है। वही आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, खंडजा निर्माण